राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और नंद उत्सव की आपको बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं आप भी नंद उत्सव की बहुत अच्छे से जोरों से तैयारी कर रहे होंगे। रहे हैं हांडी तैयार, क्योंकि अब है हमारे घर पे बनाया जाने वाला अगला त्योहार नंद उत्सव। तो सुबह सुबह हम दान वगैरह कर चुके हैं जो भी करना था, और दोपहर के समय हम रेडी हो चुके हैं हांडी की प्रोग्राम के लिए, दही हांडी का प्रोग्राम। तो पहले हम सिंपल सी हांडी डेकोरेट कर रहे हैं, मतलब उसका वो बना रहे हैं ताकि इसको टांग पाए, उसके बाद हम इस हांडी को डेकोरेट करेंगे। अब आप कहोगे दीदी हांडी कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं ली आपने? अरे हम भी तो छोटे से ही हैं, हम केवल घर में दो लोग हैं। अगर आप इसका बड़ा उत्सव करना चाहते हो तो आप बड़ा उत्सव कर सकते हो, लेकिन हम घर पे दो ही लोग हैं इसलिए हमने ये इतनी छोटी ली है। और ये ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, बस अब मैं इसको अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दूंगी। उठा के उठाइएगा जरा, ये देखिए ये कुछ ऐसी, ये देखिए कितनी पूरी तैयार होगी। मैं इसको अच्छे से डेकोरेट करूंगी, उसके बाद हम टांगेंगे, उसके बाद हम अपना नंद उत्सव आराम से बनाएंगे, क्योंकि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा जय कन्हैया लाल की। और चलो आप, मैं मिलवाती हूँ तुमको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल से, जल्दी से। हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल नंद उत्सव के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं, अपने कपड़े वपड़े पहनकर। और ये देखो, ये एक टॉफी पिंपॉम इन्होंने अपने पास रखी हुई है, केले रखे हुए हैं, गौ माता कछुआ भी रखी हुई है। और ये देखिए, ये इनके वस्त्र हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया ने आज मेरे जो इनकी राखी है, ये आज मुझे इनकी राखी भी उतारनी है, क्योंकि आज है गोगा नवमी और गोगा नवमी पे राखी उतर जाती है। आफ्टर दही हांडी प्रोग्राम मैं इनकी राखी भी उतार दूंगी। और राधे राधे नहीं बोलोगे क्या? ये जो इनका सिंहासन है, ये स्पेशल फॉर जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी से लेकर छठी तक ये इसी सिंहासन पे विराजमान होते हैं। तो जैसे कि बाकी बिहारी जी के मंदिर के कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन है, साल में एक बार ही दर्शन होते हैं पैरों के, साल में एक बार ही बिहारी जी उस पे विराजमान होते हैं झूले पर, वैसे ही मेरे लड्डू गोपाल के भी अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं। वैसे दो तीन सिंहासन है इनके पास, लेकिन ये जो महासिंहासन है इन पे विराजमान होते हैं जन्माष्टमी से लेकर छठी तक। तो चलिए अब दही हांडी का प्रोग्राम आगे करते हैं। हांडी को मैं थोड़ा सा तैयार करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो तैयारी हो चुकी है दही हांडी उत्सव की, नंद उत्सव की, लेकिन 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 कहानी में मैंने ट्विस्ट दे दिया है, एक मोड़ दे दिया है। अब वो मोड़ क्या है? मोड़ है क्यों ऐसे? पहले मुझे ऐसी फोड़ी थी दही हांडी, अभी ये अचानक से एकदम से अंदर से आई और करी एक ट्विस्ट है। मैंने कहा पता नहीं क्या ट्विस्ट होने वाला है, वही तुम्हारी आंखों पे मैं पट्टी बांधूंगी और तब तो मैं दही हांडी को फोड़ रहा है। तो अब देखते हैं कैसे मैं जज कर पाता हूँ। पूरी तरीके से डेकोरेट हो चुकी है और हमने पंखे के ऊपर टांग दी है, दही उत्सव के लिए डेकोरेट भी कर दी है हमने। ये हमारी दही हांडी पूरी तरीके से डेकोरेट हो चुकी है। मैं जा रही हूँ इनकी आंखें बंद और उसके बाद हमारा कार्यक्रम शुरू होता है, लेकिन वगैरह खराब ना हो जाए। दही हांडी इतनी सी और परात देख रहे हो आपने कितनी बड़ी ली है भाई, ये पूरी फुल भरी हुई है दही हांडी, तो हमारे सोफे वगैरह खराब ना हो जाए, इसलिए हम इसमें जिसमें हम आटा मारते हैं इस परात में हम सारी दही लेंगे भाई। ऐसे रखे हुए हैं ये सोफे वगैरह, अगर खराब हो गए तो मेरे दम ही निकल जाएगी ना, तो इसलिए हमने परात का इंतजाम कर लिया है। अब हम इनकी आंखें बंद करने वाले हैं और चलिए प्रारंभ करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। नाउ पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, इसमें दही भर दिया है, अब ये टांग रहे हैं, उसके बाद मैं इनकी आइस ब्लैक फोल्ड कर दूंगी टांगी। मजे आने वाले हैं, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। एक और ट्विस्ट आने वाला है, मुझको अभी अभी याद आया, मैं कन्हैया जी से टच कर इनको ये तीन ऑप्शन दूंगी, बताओ कौन से। अब वो क्या होंगे? वो तीन ऑप्शन ये होंगे कि मैं तीन बांसुरी दूंगी इनको, एक थोड़ी हैवी होगी, एक बहुत लाइट होगी, एक उससे भी ज्यादा लाइट होगी। इनकी आंखें ब्लैक फोल्ड होंगी और ब्लैक फोल्ड आईज से ये जोन से भी बांसुरी टच कर छू लेंगे, उसी बांसुरी से इनको ये हांडी फोड़नी पड़ेगी। और ये हांडी फोड़ने के लिए केवल इनको 1, 2, 3 चांस दिए जाएंगे। अगर 3 चांस में ये नहीं कर पाए तो फिर ओह नो, ये तो हार्ड टास्क लग रहा है मुझे।
और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये इनका जो है लास्ट टास्क समझ लो आप, लास्ट नहीं लास्ट बार ये हांडी फोड़ रहे हैं, उसके बाद तो आपको पता है कि हमारे घर पे कोई नन्ना मुन्ना या मुन्नी आ जाएगी, उसके बाद वो मुन्ना या मुन्नी ही हांडी को फोड़ेगी इनकी गोदी से। तो चलिए अभी मुन्नी के पापा सुतांतु के साथ हांडी फोड़ेंगे। सुतांतु यहाँ पे बैठ के सब चीजें देख रहे हैं। मैं पहले बांसुरी लेके आती हूँ, बस तीन बांसुरी है और ये थोड़ी हैवी बांसुरी है, ये उससे लाइट वेट और ये सबसे ज्यादा लाइट वेट है, इसमें कुछ जान ही नहीं है। तो मैं इनको टच करवा देती हूँ पहले अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल से, और उसके बाद मैं इनकी आंखों में ब्लैक फोल्ड कर दूंगी। और ये नहीं ऑप्शन कि ये नहीं कि ऐसे टच करके कौन सी लंबी है वो देख ले, मैं केवल और केवल कुछ इस प्रकार से उनको बांसुरी दे दूंगी और जौन से भी वो टच कर देंगे उसी से उनको दही हांडी का उत्सव मनाना पड़ेगा। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी दही हांडी का उत्सव बनाने के लिए तैयार होना। तो आ जाइए एक बार जोर से बोल दीजिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। चलिए चलते हैं, चुन्नी छाट के लेके आई हूँ, क्योंकि ना ये चुन्नी जो मैं इसलिए छाट के लेके आई हूँ क्योंकि इससे ना कुछ भी नहीं दिख रहा था। आ जाइए, ये तो सब कुछ अंधेरा दिख रहा है, इससे तो कुछ नहीं दिख रहा है। चीटिंग नहीं करनी है, ये कितने हैं? पांच। ये कितने हैं? दो। ये तो सच्ची में दो है। देखा मेरा गैस। ये कितने हैं? तीन। नहीं ये पांच है, इसका मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा। अब मैं पहले थोड़ा सा इनकी बांसुरी दे देती हूँ इनके हाथ में, उसके बाद मैं करूंगी, पहले इनके हाथ में मैं बांसुरी दे देती हूँ। इन्होंने ये वाली बांसुरी सिलेक्ट करी है तो चलिए अभी अभी कहाँ करी है, तो एक ही दिखाया है। ये तो चीटिंग हो रही है मेरे साथ। चीटिंग और ठीक है, और भी देख लो तुम, सही है, चीटिंग नहीं होने दूंगी मैं। चलिए अभी भी उन्होंने यही सिलेक्ट की है जो पहले सिलेक्ट करी थी। चलो अभी नहीं फोनी, अभी पहले मैं इनको घुमा देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा चलाक है, इन्होंने पता है क्या करा है, पूरा मेजरमेंट ले लिया है, इसलिए मैं इनको घुमा दूंगी। वन, थोड़ा सा ना आगे चलो, इधर से हाँ आगे पीछे आओ, थोड़ा इधर जाओ, बस 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 हाँ चलो, वन टू थ्री स्टार्ट। मेरी दिशा चकरा रही हूँ। ये सोफा ढूंढ रहे, सोफा कहाँ है, सोफा कहाँ है, शिट शिट शिट, इन्होंने ना वहीं से मेजरमेंट लिया था। वन ऑप्शन अभी लगा नहीं है। ठीक है ठीक है, एक दूसरे हाथ का सपोर्ट नहीं लेना था आपको। अच्छा ठीक है, एक पॉइंट खत्म हो गया, दो एक पॉइंट बाकी यहाँ पे। और बेटा टीवी मत तोड़ देना, अगर तुम देखना तो टीवी तोड़े तो मानूंगी। दूसरा पॉइंट ये तो ताली है, खत्म हो चुका है। नाउ थर्ड एंड लास्ट टाइम, थर्ड पॉइंट लग गई। चौथा ऑप्शन खत्म, फोर्थ खत्म, सही सही सही।
कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अब जो इसमें दही है इसका हम प्रसाद का भोग पहले लड्डू गोपाल को लगाएंगे। वैसे भी लड्डू गोपाल को भोग लगा के ही हमने कहता, उसके बाद हम सब इसको प्रसाद के रूप में खुद भी पाएंगे। इनका मैं ब्लैक बोर्ड खोल देती हूँ। ये खुशी तो ऐसे मना रहे वर्ल्ड कप जीत के लेकिन आपने थ्री ऑप्शंस में नहीं बोला है, फोर्थ फाइव ऑप्शन लगे। आप सभी को नंद उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों के घर में नंद उत्सव कैसे बनाया जा रहा है ये हमें कमेंट करके जरूर जरूर बताना। और आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।